केंद्र की अगर बात करना है तो आप 29 की बात करो, क्योंकि 24 तो निकला, इस पर बातें मत करो। 27 तो कहीं परिंदा पर नहीं मार रहा, ये भी निकला योगी जी वाला। शंका दूर कर लो भैया, 75-80% हमारा है, 20 में सबका बंटवारा है। लड़ाई जब कोई रण क्षेत्र में हो तब तो सामने विपक्ष नहीं है, आ ही नहीं रहा। यहाँ जब राम मंदिर नहीं आ रहा तो चुनाव में क्या आएगा मैदान। 29 निकला है योगी बाबा, वो भाजपा से जो लड़ेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि बाबा को तो हम प्रधानमंत्री के पद पर देख रहे हैं। ये कहे चाय वाला आ गया, चाय वाला आ गया, चाय वाला आ गया, महाराज चाय वाला आ गया, उसको झेल नहीं पा रहे। अगर गोरखपुर वाले बाबा काढ़ा पिलाने आ जाएंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो गाय वाला आएगा तब तो वो काढ़ा पिलाएगा। चाय वाले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, गाय वाला तुमसे झेल आना जाएगा भैया, इसीलिए सुधर जाओ बस। जो भगवान राम के लिए कहते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और राम मंदिर के भंडारे में बैठ के लंगर खा रहे हैं। मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप, क्या क्या 2027 भी बीजेपी अब साधेगी इसके साथ? मतलब एक एक ये एक जो टाइमिंग है, एक तो सचिन तेंदुलकर विराट कोहली की टाइमिंग की बात की जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टाइमिंग भी लाजवाब है। लोग ये कहते हैं आप 27 के बाद हमसे न करो केंद्र, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या टाइमलाइन वो होगी। केंद्र की अगर बात करना है तो आप 29 की बात करो, क्योंकि 24 तो निकला है, इस पर बातें मत करो। 27 तो कहीं परिंदा पर नहीं मार रहा है, ये भी निकला है योगी जी वाला, इस पर बात मत करो। कोई दिक्कत नहीं है? अरे दिक्कत पूछ रहे हैं पूछिए मत, जब दिक्कत है ही नहीं हमको, जब कोई मर्जी नहीं कहे डॉक्टर बने पूछ रहे भाई, यहाँ से अब एक तरफ है भाई, सब राम में। कई लोगों की शंकाएं दूर कर, शंका दूर कर लो भैया, 75-80% हमारा है, 20 में सबका बंटवारा है, सीधा सा सिद्धांत है। और 24 की बात है तो झूने दीजिए किसी को, लड़ाई जब कोई रण क्षेत्र में हो तब तो सामने विपक्ष नहीं है, आ ही नहीं रहा। यहाँ जब राम मंदिर नहीं आ रहा तो चुनाव में क्या आएगा मैदान। सब लोग मिलकर आने तो 29 देख रहे हैं अब आप सीधे, 29 निकला है योगी बाबा का, वो भाजपा से जो लड़ेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि बाबा को तो हम प्रधानमंत्री के पद पर देख रहे हैं 2029 में। हाँ, मोदी जी को रिटायर कर रहे हैं 29 में। ये जो विपक्ष है ये कहे चाय वाला आ गया, चाय वाला आ गया, चाय वाला आ गया, महाराज चाय वाला आ गया, उसको झेल नहीं पा रहे। अगर गोरखपुर वाले बाबा काढ़ा पिलाने आ जाएंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो गाय वाला आएगा तब तो वो काढ़ा पिलाएगा। चाय वाले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, गाय वाला तुमसे झेल आना जाएगा भैया, इसीलिए सुधर जाओ बस। हम एक ही चीज कहते हैं, ये कुछ आप देखे हैं ना, कुछ लोग जनेऊ पहन लिए हैं, कुछ लोग टीका लगा लिए हैं, ये लगा नहीं लिए हैं, हिंदू समाज वालों ने लगवा दिया। मुझे एक बात बताइए कि जब जब आप जनेऊ दिखाते हैं तब धर्म निजी विषय नहीं होता है, जब आप राम मंदिर आते हैं तब आप कह देते हैं कि धर्म बड़ा निजी विषय है, ये तो बहुत प्राइवेट रहना चाहिए, ये आपको दुविधा दिखती है कहीं ना कहीं विपक्ष में कि भाई आप मंदिर जा रहे हैं, आप परिक्रमा पथ पर घूम रहे हैं, आप वक्त आने पर जो है वो प्रयागराज में जाकर प्रियंका जो है वो डुबकी भी लगा लेती हैं, आप किसके सामने ये ढोंग कर रहे हैं, ये समझ में आता है आपको कि ढोंग चल रहा है एक तरीके का? देखिए ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पब्लिक बता देगी। ये महाराज इससे पहले सनातन धर्म नहीं था, हाँ इससे पहले सनातन धर्म नहीं था, इससे पहले आस्था नहीं थी, इससे पहले राम नहीं थे, इससे पहले कृष्ण नहीं थे, इससे पहले बनारस नहीं था, तब कहे नहीं गए? जो भगवान राम के लिए कहते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और राम मंदिर के भंडारे में बैठ के लंगर खा रहे हैं, सीधी सीधा सा सिद्धांत, जिनके बाप दादाओं ने कार सेवकों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई, वो आज निमंत्रण के लिए बौखला रहे हैं, रो रहे हैं। खैर विरोध किसी का नहीं, लेकिन तुम आ भी नहीं पाओगे, क्योंकि अयोध्या दर्शन भाग्य से नहीं सौभाग्य से प्राप्त होता। चुपके चुपके कुछ लोग 15 तारीख को आ रहे हैं। चुपके चुपके तो हम कहा कहते हैं, चुपके चुपके तो चोर आते हैं जी भाई, जो सही धर्म पे चलते हैं वो तो सीना ठोक कर आते हैं, हम तो सीना ठोक कर अयोध्या में रहते हैं, सीना ठोक कर भगवा धारण करते हैं, और आज डंके की चोट पर कहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र हो, मैं यहाँ अयोध्या बोलने वाला नहीं हूँ, मैं फेसबुकिया नेता नहीं हूँ, लाखों लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे जुड़े, लेकिन जहां कहोगे महाराज शाहीन बाग में खुले मंच पर चिल्ला करके आया था। और अगर आप देखोगे हमका तो लेके चलो पाकिस्तान, हम वो मंदिर बनवा दे, इस्लामाबाद लेके चलो हम वो बनवा दे, ऐसा नहीं है। ये सनातन धर्म आदिकाल से था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, सीधा सा सिद्धांत है। बाकी जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब है, वो अपने आधार से कार्य करें, पार्टियां बहुत हैं, लेकिन जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, सीधा सा सिद्धांत। अगर हिंदुत्व के लिए कार्य करोगे, सनातन के लिए एक काहे के लिए कार्य करोगे, एक बहुसंख्यक समाज आपको वोट देकर अगर सरकार बना रहा है तो वही सरकार गिरा भी देगा, और एक बहुसंख्यक समाज अगर वोट बना करके आपको सरकार में लाया है तो अपने नियमानुसार हम कानून चाहते हैं। भाई एक बात बताओ, 1 का 1/4% है लेकिन इनको वो वोट चाहिए,
चाहिए लाकर दो ना, वो बोर्ड इनको चाहिए ना, इनको कब्रिस्तान के लिए आवंटन चाहिए, इनको हज हाउस के लिए सब्सिडी चाहिए। और नारे लगेंगे, तुम जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तो उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये कॉपी पेस्ट तो नहीं शुरू हो जाएगा, आप कहीं कांग्रेस ना आ जाए इस तरफ या सपा ना आ जाए इस तरफ कि भाई हम काशी देख लेते हैं, तुम ज्ञानवापी देख लो। हम कहते हैं भैया, ये राम मंदिर अगर भाजपा ने बनवा दिया, राम मंदिर भाजपा ने नहीं, राम मंदिर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बनवाया, सनातनियों ने बनवाया है। अगर कोई सरकार नेतृत्व कर रही है तो उसकी प्रशंसा होगी, डंके की चोट पर होगी, और जो छाती कूट रहे हैं ना उनसे हम यही कहना चाहते हैं, अभी मथुरा बाकी पड़ा है भैया, काशी बाकी पड़ा है, जाओ बनवा लो ना, तुमको कोई रोक रहा है? नहीं बनवाएंगे, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में कब्रिस्तान का आवंटन है, वोट बैंक चला जाए, इनके मैनिफेस्टो में इफ्तार पार्टी थी, कहां से हो जाएगा भाई? 1984 में नारा लगा था महाराज रामलला, हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, सीधा सा सिद्धांत, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।